आपको बता दें कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जन्म जयंती के अवसर पर हवन कार्यक्रम यहाँ समाज के लोगों ने, धनगर समाज के लोगों ने रखा था। मेरे साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवल प्रताप सिंह मौजूद हैं। इस समय हवन में भाग लिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे हवन के? मैं सर्वप्रथम पूरे माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करते हुए, जिस तरीके से ताजगंज में मातेश्वरी की प्रतिमा पर पूरी धूमधाम के साथ समाज के लोग, जो आगरा जिला ही नहीं, फिरोजाबाद जिला ही नहीं, अलीगढ़ नहीं, हाथरस नहीं, मथुरा नहीं, दूर दूर से लोग आकर माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाज के लोगों ने एक नई दिशा देने के लिए हवन का यहाँ आयोजन किया। मंदिर गंगा मंदिर पर ये आयोजन किया। मैं ऐसे दिवंगत आत्माओं के लिए, जहाँ भी मेरी माँ देवी के रूप में होंगी, निश्चित ही पूरी समाज के लिए एक पीड़ा स्रोत तो है ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी समाज उनसे एक सीख के लिए हमें एक शिक्षा मिली है। जिस तरीके से माता ने जहाँ जहाँ अपने 12,940 पूरे भारत देश में पुनः निर्माण कराने का काम, मंदिरों का, घाटों का, शिक्षाओं का, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से माता ने एक अलग जगाई थी समाज के प्रति, ऐसी देवी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के प्रति एक अलग जगाने वाली देवी को पुनः इस समाज की ओर से और श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करते हैं। लोक माता जो टाइटल लगा है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम के आगे जो है, तो एक कुशल शासिका भी थी वो, अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया तमाम, जैसे आपने बताया कि मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, तमाम मंदिरों में विद्वान उन्होंने बिठा ले, किस तरह आती है तो धनगर कम्युनिटी में भी किस तरह का संदेश जाता है और अलग समाज में भी किस तरह का एक मैसेज जाता है? मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से 17वीं शताब्दी में माता ने जन्म लिया, पूरा इतिहास आपको पता है कि जिस तरीके से माँ ने संघर्ष के साथ अपना जीवन 70 साल की उम्र में पूरा किया, छोटी सी उम्र में शादी होती है, आगे चलकर ससुर ख़त्म होते हैं, पति ख़त्म होते हैं, बेटे ख़त्म होते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता, पर लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष पूरा जीवन बिताया और संघर्षमय के साथ जिस तरीके से मुगलों का जो शासक हुआ करते थे, अपने मंदिरों का उन्होंने विध्वंस कर दिया था, वो माता ने पुनः निर्माण कराने का काम माता ने किया, और जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी शक्ति के रूप में, एक आपने देखा होगा उनकी गोदी में एक शिवलिंग है, तो वो बहुत बड़ी एक शिवलिंग की पुजारिंग थी, और जैसे एक एक उस समय प्रथा भी चलाई, एक सती का होने का एक बड़ी प्रथा चलती थी, तो उस समय जैसे ही पति ख़त्म होते ही सती प्रथा का रूप उन्होंने एक ख़त्म किया। मैं ऐसी माताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो दूंगा ही, पर लेकिन उनसे हमें सीख भी मिली, और पूरी जनता को नहीं, पूरी समाज को नहीं, अन्य विभिन्न समाज को भी एक सीख मिली, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीख मिली है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन काल से, उनके तमाम जो ऐसे कार्य रहे, लोग आज उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग बनाते हुए चल रहे हैं, पद चिन्हों पर चल रहे हैं और सीख रहे हैं। धनगर समाज ही नहीं, पूरा भारत उन पर गर्व करता है, क्योंकि एक शिव की भक्त भी मानी जाती थी। उम्मीद यही करते हैं कि उनसे हर वर्ग प्रेरणा लेता रहेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।